सबसे पहले देखो हम लोग बात करेंगे अनरियलाइज रेंट की हाउस प्रॉपर्टी में। सारी बातें हो गई थी इंटरेस्ट का, अब आ जाएंगे हम लोग इसमें। जिसको लिखना है पहले लिख लो, बहुत बड़ा नहीं, 4-5 लाइन का है। या नोट्स गई है, चलो फिर थोड़ा समझ लो। वैसे भी लिखोगे नहीं तुम लोग, और बिना मन के कोई काम नहीं करना चाहिए। देखो अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा रेंट जो रियलाइज नहीं हो पाया। देखोगे इट मींस रेंट विच इज नॉट रिकवर्ड बाय ओनर, है ना, ऐसा रेंट जो ओनर रिकवर ही नहीं कर पाया है। किससे नहीं रिकवर कर पाया, टेनेंट। कह रहा इट इज लाइक बैड डेट्स, इसको क्या ट्रीट करते हैं आप, जैसे कि बैड डेट्स को ट्रीट करते हो उसी तरह इसको भी आप ट्रीट करते हो, ठीक है। इट इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट, जब आप एक्चुअल रेंट का कैलकुलेशन करते हो इसका क्या करते हैं, डिडक्शन कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, ठीक है। इफ फॉलोइंग फोर कंडीशन ऑफ रूल फोर आर सेटिस्फाइड, लेकिन कब करते हो, जब ये चारों रूल सेटिस्फाइड होंगे तब करेंगे आप, अदरवाइज नहीं करेंगे। पहला क्या है, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, हमने इनका मकान कब्जा कर लिया, हम सबको बोले ये मेरा मकान है, मेरा मकान है, डिडक्शन अलाउ होगा क्या हमको, क्यों, क्योंकि एक्चुअल ओनर हम नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, है ना, टेनेंसी कैसी होनी चाहिए, बोनाफाइड एक्चुअल होनी चाहिए, ठीक, ध्यान रखोगे। फिर दूसरी बात क्या है, टेनेंसी, टेनेंसी का मतलब क्या होता है, टेनेंसी का मतलब क्या होता है, किरायेदारी, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, टेनेंसी शुड हैव वैकेट दैट हाउस प्रॉपर्टी। तो पहली बात जो थी, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड का मतलब क्या, एक्चुअल में आपने रूम को रेंट पर उठाया हुआ है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप क्या, आप ये मान लो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको रेंट पर उठा रहे हैं, हमने इनसे बोला चलो ठीक है तुम दूसरे के यहाँ रहो, बट हम क्या करेंगे, डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, तुम्हारे नाम से दिखा देंगे तुम यहाँ रह रहे थे और हमको पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो हम ऐसा अगर चाहें कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो वही बात कह रहा है, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, एक्चुअल में टेनेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि वहां पर आदमी रह ही नहीं रहा था, आपने क्या मान लिया, टेनेंसी मान ली। पॉइंट नंबर टू क्या बोला, टेनेंसी शुड हैव वैकेट दैट हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हो गया, अब वो क्या कर रहा है, घर छोड़ के चला गया, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या बोला, गवर्नमेंट बोला अगर ये पैसा नहीं दे रहा है तुम इसको रखे क्यों, अगर रखे हो जिम्मेदार कौन है, फिर आप ही है। या हो सकता है तुम दोनों का क्या हो, मिली भगत हो, साठगांठ हो, ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है, पहली बात क्या है, बोनाफाइड टाइटल, एक्चुअल टाइटल। फिर दूसरी बात क्या है, अब वो मकान हाउस प्रॉपर्टी छोड़ दिया। फिर तीसरी बात क्या है, सच टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेम एसेसी। मान लो एक मेरे मकान का ये पेमेंट नहीं कर रहा है, दूसरे मकान में रहेगा क्या उसका पेमेंट कर देगा क्या, एक मकान में बोला ये कि यहां व्यवस्था नहीं थी इसलिए मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा, फिर हमारे दूसरे मकान में क्या कहा, यहां का मैं पेमेंट करूंगा, यहां पर सब बढ़िया व्यवस्था है, तो क्या बोलेंगे भाई, जब तुम वहां की चीजों का पेमेंट कर ही नहीं पाओगे तो यहां की चीजों का पेमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे जो एसएससी है उसका और कोई हाउस प्रॉपर्टी उसके हाथ में ना हो, हाथ में ना हो, या उस और कहीं पर लेट आउट ना हो, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है गवर्नमेंट क्या मान लेगा, मान लेता हूं कि आप क्या कर रहे हो, टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, है ना, ये क्या है आपका साठगांठ है। फिर पॉइंट नंबर फोर्थ है, रीजनेबल सेटअप शुड हैव बीन टेकन फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। रीजनेबल स्टेप्स आपने ले लिया, रीजनेबल स्टेप्स का मतलब क्या है, मारा पीटा, 4-5 लोग 10 लोग को बुलाए इनको निकालने के लिए, मिन्नतें किए, ठीक है, कि हो सकता है इसको समझ में आ जाए और ये मकान छोड़कर चला जाए। जब फिर भी नहीं माना तुमने क्या किया, पुलिस वुलिस बुलाया, ठीक है, कि भैया पैसा दे 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 दे, लेकिन ये आदमी पैसा नहीं दे, ठीक है। तो ध्यान रखो चार बातें हैं, पहला क्या है भाई, टेनेंसी कैसी होनी चाहिए, बोनाफाइड। फिर दूसरी बात क्या है, टेनेंसी शुड हैव बैकेट दैट हाउस प्रॉपर्टी।
अब वहां पर घर क्या कर दिया उसने, छोड़ दिया है। तीसरा नंबर का बात क्या है, उसने एसएससी कोई और हाउस प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं की। और चौथी बात क्या है, जितने भी रीजनेबल स्टेप्स हैं एसएससी ने सब फॉलो कर लिए, ठीक है। तो ध्यान रखोगे एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है, जितना रेंट आपको मिलना था, फिर उसका मतलब क्या होता है एक्चुअल रेंट का मतलब, जितना रेंट मिला और जितना मिलना है, ठीक है ना। ध्यान रखो एक साल में अगर 12 महीने, 12 महीने में 4000 के हिसाब से तुमको कितना मिल जाएगा, 48,000 रुपीज। अब मान लो उसमें 24,000 मिल गया, अभी 24 मिलना बाकी है, तभी तो 48 होगा। मान लो एक महीने का रेंट डूब गया आपका, तो मिला कितना आपको, 44,000। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो रेंट एक्चुअल रेंट का मतलब क्या, जितना मिलना था जितना मिल गया माइनस जितना नहीं मिला। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये बात है अनरियलाइज्ड रेंट के। ये जो चार रूल बताए गए हैं इन्हीं को आपने क्या नाम दे दिया, रूल। ये जो चार रूल है कहां पर बताए गए हैं, रूल 4। इन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया, रूल 4, ठीक है। इन चार रूल को अगर आप कंप्लीट करोगे तभी आप डिडक्शन ले सकते हो, किसका, अनरियलाइज्ड रेंट का, अदरवाइज आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आ जाओ वापस से उस सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 11 लिखो इसको। चलो लिखो सब लोग। पहले केस में रिकवर कितना हुआ है, 6,000 रुपए रिकवर हुए कि नहीं। यहां पर देखो मैंने लिखा केस, ये कौन है, मिस्टर पी, इनके पास एक घर है ना। कह रहा है उसने 50,000 का डिडक्शन क्लेम किया था, बट एसेसिंग ऑफिसर ने केवल कितना अलाउ किया, तो कितना डिसअलाउड है, ठीक है ना। ये आपका क्लेम का अमाउंट है, ठीक है। ये क्या है आपका, अलाउड है। तो ये क्या आ गया आपका, बात समझ में आ रही कि नहीं आपकी। कह रहा पहले केस में उसको 6,000 रुपए रिकवर हुआ है ना, पहला केस है, कितना रिकवर हुआ, 6,000। ध्यान से समझ लो फिर लिखोगे सब लोग। वो क्लेम कितना किया, अगर मैं 50,000 का क्लेम कर रहा हूं और 42,000 हमको डिडक्शन मिल गया, अभी मिला कितना नहीं, 8,000, तो मैं क्लेम कितना कर सकता हूं, 8,000। बात समझ में आ रही नहीं। बट हमको रियलाइज कितना हुआ, तो अभी कितना कम रियलाइज हुआ है, 2, है ना। हमारा डूबा 50,000, रियलाइज हुआ कितना, 42, मिल गया हमको कितना, 42। तो अभी कितना और मिलना चाहिए हमको, 8, बट मिला कितना, 6। तो ध्यान रखो यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट आपको कुछ मिला, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता तो आप उसको क्या ट्रीट करते, जीएबी, और वही क्या हो जाता आपका, एनएबी हो जाता, क्योंकि जिस ईयर में वो नहीं मिला होगा उस साल आपका जीएबी एनएबी कैलकुलेट हो चुका है। तो यहां पर कोई म्यूनिसिपल टैक्स पे करना अगर बाकी होगा तो माइनस करो, वैसे भी आप करेंट ईयर में म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हो, ठीक है ना। अगर होगा तो माइनस कर दो, छोड़ दो, ठीक। तो ध्यान दोगे यहां पर और कोई अमाउंट आपका टैक्सेबल नहीं आ रहा, क्योंकि यहीं पर वैल्यू क्या जा रही है, 0। फिर पॉइंट नंबर 2 में देखोगे यहां पर इसको रिकवरी कितनी हुई, 10,000। यहां पर रिकवरी का अमाउंट कितना है आपके पास, 10,000। बट आप मैक्सिमम रिकवरी कितने की कर सकते हो, आप क्लेम कितना कर सकते हो, यही क्लेम आप मांग सकते हैं ना, जो आपको अलाउड नहीं हुआ है। बट आपको यह रिकवर कितना हो गया, तो ध्यान रखो अगर 50 का तुमने क्लेम किया, 42 तब अलाउड हो गया था, 8 अब अलाउड हो गया, तो 2,000 रुपए तुमको एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला। तो 2,000 पर आपने कोई पेमेंट किया टैक्स का क्या, आपको, आपने डिपार्टमेंट का नहीं, आप उसको क्या ट्रीट करो, जीएबी, ठीक है। वही क्या हो गया आपका, एनएबी, और उस पर आपने क्या कर दिया, 30% माइनस कर दिया। बात समझ में आ रहा है आपके, हाँ कोई नहीं। अच्छा एक बात और ध्यान रखो,
जब अनरियलाइज गेन को आप रिकवर करोगे उस पर जो भी अमाउंट होगा किसी भी तरह का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखो। 6,000 रुपए हमको रिकवर करना था, मैं 9 लोग को ले गया, सबको 1,000 रुपए दिया, 9,000 रुपए खर्चे हो गए, 6,000 रिकवर किए, तो क्या करो? एक रूल पड़े थे तुम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, बायर बी अवेयर, है ना, कैवियट इम्प्टर पढ़े थे ना, बायर बी अवेयर, उपभोक्ता सावधान रहो। जब आप रूम रेंट पर उठा रहे थे ना तो आपको सावधान रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? ऐसे आदमी को आप रूम रेंट पर प्रोवाइड करो जो आपको टाइमली पेमेंट करो, आपका पैसा ना डूबे, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस पर हम किसी भी तरह डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेंगे, अदरवाइज लोग क्या करेंगे कि भैया मैंने 5,00,000 रुपए 40,000 रुपए को रिकवर करने में खर्च कर दिए, तो जितने की मुर्गी नहीं उतने के मसाला हो गया, कहावत है ना एक, बात वही हो गया फिर। और गवर्नमेंट से क्या करेंगे, अननेसेसरी डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एकदम मना कर दिया है कि अगर अनरियलाइज रेंट को आप रियलाइज करने के लिए जो भी पैसा खर्च करोगे हम उसका क्लेम, ठीक है ना। पॉइंट नंबर थर्ड में सेम बात देखो, रिकवरी हुई कितने की, 15,000 रुपए की, बट आपने क्लेम कितना किया है, 8,000 रुपए, तो हमको एक्स्ट्रा कितना मिल गया, 7,000 का आप निकाल लोगे 30%, और जो 4,900 आ गया अमाउंट वो क्या है आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये दोनों ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये 7,300 रुपए का टोटल आपका इनकम आ जाएगा अगर दोनों ऐड करो, बट दोनों ऐड नहीं करो क्योंकि केस आपके अलग अलग है। हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। इसके बाद हो गया बेटा सबका, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे हम लोग। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है उसके बेस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। जब देखोगे, हो गया सबका ना, अगर चेक करेंगे आप तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक है, लेट आउट किया गया हाउस को कितने रुपए पर मंथ पर, 7,000। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू दी गई है, हमने पुट कर दिया यहां पर, आगे देखेंगे आप लोग। म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, 2021 का 10,000 रुपए, 2021-22 का भी 10,000 रुपए, क्लियर है आपको यहां तक। अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज, हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 2 महीने तक घर खाली रहा है, बात समझ में आ रहा है आपके। देखोगे सब लोग, क्या हो गया विकास, देखोगे सब लोग, ये हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, 7,000 पर मंथ किराया इसका, वैकेंसी कितने की है, ये बात क्लियर है आपको, यहां तक कोई समस्या हो बताएं आप। फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, एक बात इसने और बोला, ये कह रहा है जो म्यूनिसिपल टैक्स है ये
ये पेड कर दिया गया है फॉर टू ईयर, है ना। कह रहा है प्रीवियस ईयर है आपका 2020-21, एक प्रीवियस ईयर है आपका 2021 और 22। यहां पर उसने कितना पेमेंट किया और यहां पर भी उसने कितना पेमेंट किया, ये बात समझ में आ रहा है आपके। तो टोटल पेमेंट कितना कर दिया उसने, आगे बढ़ा जाए। Unrealized rent allowed a deduction in the assessment year 2021 but received during the previous year 21-22 20,000. Unrealized rent कितने का था, 20,000 का था। तो पहले उसका deduction allowed हो गया, जब वो हुआ था allowed हो गया, but बाद में वो rent क्या हो गया, जब तुम अपने दादा भाई लोग को लेके गए, gangster type के लोग को देके गए, तो देख के डर गया, वापस कर दिया पैसा तुम्हारा। तो अब क्या हो गया है, रिकवर हो गया, कितना रिकवर हो गया, 20,000 रुपए। तो अभी उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, कह रहा है अनरियलाइज रेंट को कलेक्ट करने में 5,000 रुपए खर्च हुए, जितने लोगों को ले गया तो 5,000 रुपए का रसगुल्ला रसगुल्ला खिलाया, ठीक है, उसका कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। एरियर भी यहां पर रिसीव है, यहां पर दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ उठा दे दिया, अनरियलाइज रेंट की रिकवरी भी है और एरियर भी, रेंट भी रिसीव हुआ। ये देखकर कोई एक किरायेदार रह रहा था, जो उसने रेंट अभी नहीं दिया था, उसने क्या कर दिया, दे दिया जल्दी से, कि देखा भाई साहब पौवे वाले लोग को ले गए, उसको पैसा निकालनी है, तो हम भी क्या कर दें, पेमेंट कर दें, नहीं तो हमारा भी वही हालात हो जाएगा। ठीक, आगे देखो फिर, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर ध्यान दो तुम लोग, तो म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, देखो अपनी बुक में देखो, एमआरबी की वैल्यू कितनी है, उसने देखो दिया म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 20% है, बट म्यूनिसिपल टैक्स नहीं दिया। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए भाई, आ जाओ यहां हम लोग लिखते हैं वर्किंग नोट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, कोई दिक्कत की बात। यहां पर हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, है ना। आपको यह पता है म्यूनिसिपल रेंट कितने का है, 10,000 रुपए का, आप क्या कर दोगे, 20/100 कर दो, 20% है ना, तो कितना आ गया, जीरो जो कैंसिल हो गया, सॉरी 100/20 कर दो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, ये जीरो जो कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, ये 50,000 रुपीज आपका क्या आ गया, एमआरबी। ऐसे कैलकुलेट भाई कह रहा है जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो कितना है, 20% ऑफ म्यूनिसिपल रेंट या वैल्यू। अगर आपको म्यूनिसिपल टैक्स 20% पता है, क्या कर दो, आप परसेंटेज को रिवर्स कर दो, तो आपको एमआरबी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, नोट करो फटाफट। हो गया ना, तो इन दोनों में से हमको चेक क्या करना है कि हायर कौन सा है, क्या चेक करना है हम लोग को, हायर वैल्यू कितनी है, 72,000। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू गिवन है, देखो कितने का है, 60,000 का। तो ध्यान रखोगे इनमें से जो लोअर होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा ईआरबी हो जाएगा। हमारा ईआरबी कितना आ गया, इन दोनों में लोअर क्या था, 60,000 आ गया। अब ध्यान दीजिए,
7,000 रुपए पर मंथ पर आपने रेंट पर उठा दी प्रॉपर्टी, 10 महीने तक उठा था क्योंकि 2 महीने वैकेंसी है, तो कितना आ गया वैल्यू इसका, 70,000 आ गया कि नहीं। अगर ईआरबी एआरबी का आप कंपैरिजन करो, एआरबी ज्यादा है। वैसे कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, वैकेंसी है ना, तो 12 × 7,000 करोगे कितना आ रहा, 84। और 2 महीने का जब मैंने हटा दिया तब भी ये ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो एआरबी तो जीएबी होगा ही, कोई दिक्कत की बात इसमें, ठीक है ना। मान लो अगर यहां पर ईआरबी कितना होता, 71,000 होता मान लो ईआरबी, बट चेक करो यहां पर एआरबी कितना दिया हुआ है, 84 है कि नहीं। वैकेंसी नहीं होती तो 84 इसी होता। अगर ये ज्यादा होगा तब पूरे से कंपेरिजन कर लो, अगर ज्यादा नहीं जितना मिला उसे कंपेरिजन कर लो, ठीक है ना। तो वैकेंसी कारण यहां पर आपका एआरबी कम नहीं हुआ, ध्यान से बात को सुनो पहले, ठीक है ना। अगर हम लोग यहां चेक करें, अगर वैकेंसी थी भी फिर भी एआरबी ज्यादा है, अगर वैकेंसी कारण एआरबी ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। एआरबी अगर ज्यादा हो गया तब तो एआरबी क्या हो गया, जीएबी हो गया। बट अगर ईआरबी ज्यादा होता तो वैकेंसी को काउंट करने के बाद भी आप क्या करते, दोनों का कंपेरिजन करते। अगर एआरबी ज्यादा होता तब भी एआरबी क्या होता, जीएबी होता, ठीक। तो देखोगे यहां पर जीएबी कितना आ गया तुम्हारा, 70,000 रुपए, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स तुमने 2 ईयर का पे कर दिया एक साथ, कितना पे कर दियो, 20,000 रुपए। यहां पर लिख लो म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 20% ऑफ म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। हाँ क्या जानना चाहते हो भाई, बताओ क्या जानना चाहते हो। अभी इस पर हम लोग चल रहे हैं, अभी पहले इसको जान लो फिर उसको जान लो। 2021 और 22 है, ठीक है। ये 20,000 रुपये तुम्हारा क्या है, अनरियलाइज रेंट है, ठीक। और ये क्या है तुम्हारा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये वर्किंग नोट जो भी हमने नीचे बताया ये ऊपर भी दिया, एक हो गया। और इसको लिख लेना 2, आगे बढ़े फिर। अभी हम केवल इसको सॉल्व करें, इसी को बता रहे, ठीक। अब म्युनिसिपल टैक्स ये 20,000 जो पेमेंट किए हो माइनस कर दिए हम, एनएबी हमारा कितना आ गया, 50,000 रुपए। फिर आपको पता है अलाउड है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा, 24, लेस कर दिया तुमने 24A, 30% ऑफ एनएबी, 50,000 का 30% कितना आ गया, 15,000, कोई दिक्कत। इंटरेस्ट ऑन लोन था नहीं आपके पास, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, 35,000, ठीक है ना। फिर यहां तक अगर आपको बात क्लियर है, आप देखो 20,000 रुपए का रेंट रियलाइज नहीं था, उसका डिडक्शन तुम ले चुके थे पिछले साल, अब वो तुमको मिल गया। अगर वो मिल गया तो वही क्या मान लिया जाएगा, जीएबी, और वही जीएबी क्या हो जाएगा, एनएबी। यहां पर जीएबी और एनएबी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान रखो उसमें से 30% लेस है क्या, नहीं लेस है, आप क्या कर दोगे, 30% वैल्यू उसमें से लेस कर दोगे। तो 20,000 का 30% कितना आ गया, तो 14,000 रुपए यहां से टैक्सेबल हो गया। बात समझ में आ रही है आपके। फिर ध्यान देंगे रेंट कितना एरियर है, एक आदमी और दादागिरी कर रहा था वहां पर, एरियर कर दिया था उसने 12,000। ये सब जब देखा कि ये पैसा रिकवर हो गया ना, तो कह रहा है ले लो भैया अपना 12,000। तो 12,000 जब मिला तो उसमें से 30% एनएवी आपने लेस किया था, नहीं, माइनस कर दो, ये सब उठा के ऐड कर दो, इतनी इनकम होगी तुम्हारी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। सर अनरियलाइज्ड और एरियर में
हाँ रुका मतलब रुका हुआ है रुक, रहेगा। हो गया। और इसको लिख लेना, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। हाँ नोट्स का मिल जाएगा। और सोचो कि सल्यूशन का भेज देना तो फिर गलत सोच रहे हो, सोच को सुधार लो। अब भैया पहले तुम समझ लिया करो फिर छापा करो। इधर ध्यान दो, इधर 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 इधर, इधर। विकास आज नहीं कल छपा हुआ था हमी से, जब 9 बजे सो उठा था तो। यहां तक बात ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े फिर, कुछ नहीं पूछना ना इसमें। 13 आइए फिर 13 में। सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो भाई। क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर हरीश सक्सेना मेंबर है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के। कहां रहती है? दिल्ली में। ठीक है, कह रहा है ही रिसाइड्स इन हाफ द पोर्शन ऑफ हाउस अंडर द हायर परचेज स्कीम ऑफ द सोसाइटी। हायर परचेज सोसाइटी के स्कीम के अकॉर्डिंग उसने आधा घर खरीदा है। ठीक है, द रिमेनिंग हाफ पोर्सन इज लेट आउट ₹2,000 पर मंथ। द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस एसेस बाय द कॉर्पोरेशन इज ₹30,000 पर एनम। ध्यान दोगे, आधा घर क्या कर रहा है वो खरीद के खुद रह रहा है और आधे को क्या कर दिया उसने, लेट आउट कर दिया। ठीक, जिसको कितने रुपए रेंट पर उठा दिया उसने, 2,000। ये बात क्लियर है कि नहीं? ध्यान दो, पूरे हाउस का जो वैल्यू है कितना है, ये वैल्यू किसने निकाला है? हाँ, तो उसको आप क्या बोलोगे? ईएमआरबी। कितना रुपए है ईएमआरबी का? 30,000। यहां तक कोई समस्या की बात बताओ? अगर इसको दो पोर्शन कर दिए तो ध्यान रखो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया तो उसकी वैल्यू तो जीरो हो गई। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ध्यान रखो जो आधा पोर्शन लेट आउट है उसका एफआरबी निकालोगे कितना हो जाएगा, है ना? और अगर एआरबी निकालोगे कितना हो गया उसका, 24,000 रुपए। ध्यान दोगे अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें, आ जाओ नीचे करते हैं इसका कैलकुलेशन। थर्टीन में आओ, कैलकुलेशन आप जीएबी अगर चेक करोगे म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू तो कितनी थी उसकी पूरे मकान की, इसको दो से डिवाइड कर दिया तुमने, कितना आ गया ये 15,000 रुपये। फिर फेयर रेंटल वैल्यू दिया क्या उसका, कितना दिया है बोल नहीं रहे आप लोग? फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस एसेस बाय द कॉरपोरेशन इज 30,000 पर एनम है। अगर कॉरपोरेशन जहां पर वो रह रखा रहती है क्या होगा, फेयर रेंटल होगा कि म्यूनिसिपल रेंटल होगा? ठीक है ना, तो ये आ गया तुम्हारा। अब उसके आगे देखो, एफआरबी तो है नहीं,
तो हम लोग इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, डायरेक्ट एआरवी से। अगर 2000 रिसीव कर रहे हो पर मंथ, तो 12 महीने में कितना रिसीव कर लोगे, 24,000 रुपए। और दोनों में से हायर क्या है आपका, यही क्या हो जाएगा आपका, नोट कर ले, हो गया यहां तक। हो जाएगा बता दीजिएगा। चलो फिर आ जाओ आगे। तो यहां पर देखोगे जीएबी कितना हो गया तुम्हारा, लेट आउट पोर्शन का और सेल्फ ऑक्यूपाइड का जीरो, लोकल टैक्स का कितना हो गया जीरो हो गया, इसका कितना हो गया 6000। कैसे पता, पढ़ा तुमने, वहां पर देखो लोकल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस अमाउंट रुपीज 12,000, 12,000 है कि नहीं लोकल टैक्स, ठीक है ना, 1/2 लेट आउट का एंड 1/2 सेल्फ ऑक्यूपाइड का, ठीक। एनएबी आ गई आपकी, है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो क्या आ गया जीरो आ गया, लेट आउट का कितना आ गया 18,000 रुपए। यहां तक बात क्लियर है। लोन का अमाउंट देखो वहां पर दिया कितना है, एक्सपेंस जो इनकट कर रहा है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का, ग्राउंड रेंट का, इसका कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं है क्योंकि तुमको 30% इसीलिए मिलता है। आगे देखोगे इंटरेस्ट पेबल है सोसाइटी को 16,000 रुपए, 16,000 अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है तो 50% किसका हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड का और 50% किसका हो गया लेट आउट का। तो ध्यान रखो सेल्फ ऑक्यूपाइड से कितना लॉस आ गया आपको 8,000 से, क्योंकि इसकी सारी वैल्यू क्या है जीरो, और यहां पर 18,000 रुपए एनएवी है इसका, 30% तुमने निकाल लिया, कितना आ गया 5,400 और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना 8,000, अगर 18,000 में ये दोनों वैल्यू माइनस कर दिया तुमने कितना आ गया, ये क्या है आपका प्रॉफिट है। ध्यान रखो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से लॉस आ रहा है और लेट आउट से क्या आ रहा है आपको प्रॉफिट आ रहा है। अगर नेट लॉस चेक करना है कैसे चेक करोगे बताओ भाई, यहां ध्यान दोगे 4,600 का प्रॉफिट था, 8,000 का लॉस था, तो टोटल लॉस अभी बचा कितने का 3,400 का, ठीक है। उसी के नीचे देखो उसने और कुछ कहा है, कह रहा है उसका अदर इनकम जो मिस्टर सक्सेना है उनका कितना है 3,24,000 रुपए, 3,24,000। अब एक चीज देखो, जब टोटल इनकम आप कैलकुलेट करोगे, हमने आपको सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ाया था, जो लोग पढ़े हैं जो नहीं पढ़े उनका बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था करेंट ईयर में आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना, कि इंटर हेड हाँ। अब अगर आप देखो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी से आपको क्या आ रहा है लॉस आ रहा है, और कोई हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास तो क्या कर सकते हैं, इसको सेटअप कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी से, नहीं कर सकते ना, तो क्या करोगे पहले अपने घर में चेक करो, अपने घर में नहीं तो दूसरे के घर में जाओ, है ना, तो दूसरा घर क्या है सैलरी है कि नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को आप कहां सेटअप कर रहे हो सैलरी से, कितना कर रहे हो 3,400, तो 24 में से 3,400 माइनस कर दिया हमने, तो नेट इनकम या नेट टोटल इनकम आपकी आ गई
320,600, नोट कर लो इसको। कहा है अभी तक क्या करे तुम लोग, काफी समझ रहे हो तुम लोग आज। ज्योति लग रहा है यार सही कहता है क्या। बस 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 भाई बस। अरे ए भाई साहब लिखो लिखो, लिख क्यों नहीं रहे तुम लोग। इनको एक बार ट्रेलर दे दो फिर। तो अरे पढ़ाई हुई कि नहीं फिर। हो जाएगा बता देना। नहीं नहीं ठीक करो करो बेटा तुम अपना काम करो, इन लोगों के पास कोई काम तो है नहीं। हो गया